22 अगस्त पिछले 24 घंटा में उड़ीसा में कुछ कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ बारिश हुआ है। एक दो जगह में हैवी रेनफॉल भी हुआ थंडरस्टॉर्म के साथ। गजपति डिस्ट्रिक्ट में कौशीनगर में हाईस्ट रेनफॉल था 87.0 मिलीमीटर। उसके बाद कटक डिस्ट्रिक्ट का कांतापाड़ा 79.0 मिलीमीटर। हमारा भुवनेश्वर सिटी में भी थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हुआ है 20.4 मिलीमीटर। बट स्टेट एवरेज रेनफॉल स्वाभाविक से कम ही था 4.0 मिलीमीटर, 11.0 स्वाभाविक होता है। अभी फर्स्ट पहले जून से आज 22 अगस्त तक उड़ीसा में टोटल रेनफॉल हुआ है 743.8 मिलीमीटर और इस समय तक का स्वाभाविक होता है 822.9 मिलीमीटर। 10% कम है बट स्वाभाविक रेंज में ही है। बोथ डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक से ज़्यादा बारिश हुआ है, एक्सेस बारिश हुआ। 18 जिला में स्वाभाविक व नॉर्मल है और 11 जिला में स्वाभाविक से कम हुआ है। अगस्त में हमारा बारिश स्वाभाविक ही है, 260.4 मिलीमीटर बारिश हुआ है, 272.2 स्वाभाविक होता है। अभी फोरकास्ट हमारा जो है अभी नेक्स्ट 24 आवर्स में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ बारिश मेनी प्लेसेस में इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है। कोस्टल उड़ीसा में भी कुछ कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ बारिश का पॉसिबिलिटी है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ ही बारिश अभी होगा, उसका साथ हैवी रेनफॉल भी एक दो जगह में हो सकता है। रायगढ़ गजपति कंधमाल केन्दुझर मयूरभंज ये सब डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। फिर कल 23 में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी इंक्रीज करने का चांसेस है, मेनी प्लेसेस में ही होगा और हैवी रेनफॉल भी एक दो जगह करके रहेगा। 24 में भी और भी स्लाइटली इंक्रीज कर सकते हैं थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ, रेनफॉल भी इंक्रीज कर सकता है। इसमें हैवी रेनफॉल सोनपुर संबलपुर सुंदरगढ़ देवगढ़ अंगुल केन्दुझर मयूरभंज बालासर में पॉसिबिलिटी है एक दो जगह करके। फिर 25 में बारिश मेनी प्लेसेस में थंडरस्टॉर्म का साथ रहेगा बट स्लाइटली रिडक्शन का चांसेस है। 26, 27 भी मेनी प्लेसेस में बारिश कोस्टल विषय में रहेगा और इंटीरियर में स्कैटर्ड वे में रहेगा। भुवनेश्वर सिटी में आज आफ्टरनून बाई इवनिंग का तरह कुछ कुछ एरिया में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का साथ बारिश का पॉसिबिलिटी है।